नमस्कार, आप सबको मेरा गार्डन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला कर रहा हूँ वो है इस ड्रैगन फ्रूट प्लांट के फ्लावर के ऊपर कि फ्रेंड्स हमें इस फ्लावर को कैसे हैंड पॉलिनेशन करना है। अगर हम इस फ्लावर पर हैंड पॉलिनेशन नहीं करेंगे तो जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा। देखिए, आप दो चीज़ से कर सकते हैं, एक है ये ब्रश और दूसरा है जो बर्ड्स आता है, आप उसमें से किसी एक को भी ले सकते हैं। देखिए, मैंने इस ब्रश की सहायता से मैंने एक कटोरी में इसका जो पोलन है ये कलेक्ट किए हैं। देखिए, इस पर का जो वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहा है ये इस फ्लावर का पोलन है। और अब हम क्या करेंगे, इसका जो पोलन है हमें इसका फ्लावर के स्टिग्मा में लगाएंगे। देखिए, ये है आपका फ्लावर का स्टिग्मा। फ्रेंड्स, नॉर्मल जो फ्लावर में पोलिनेटर ही काम करता है, बट अभी रात के 1 बज रहा है तो इस वक्त जो पोलिनेटर है वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सुबह होते ही इसका जो फ्लावर है वो एकदम क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो पोलिनेशन का काम है हमें मिडनाइट में ही करना होता है। अदरवाइज जो हमारा ड्रैगन फ्रूट का फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा प्लांट ड्रैगन फ्रूट का फ्लावर है इसको मैंने हैंड पोलिनेशन कर दिया है। अब मैं कुछ दिन बाद आपसे मिलूँगा। देखिए दोस्तों, ये हैंड पोलिनेशन के 15 दिन के बाद का रिजल्ट है आपके सामने है। जो मेरा ड्रैगन फ्रूट का फ्लावर था उसमें से फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका है, देखिए। और जो फ्रूट का जो सूखा हिस्सा है वो अभी आप देख रहे हैं इसमें इस प्रकार से। फ्रेंड्स, इसमें मेरा जो फ्लावर की बात करें तो टोटल 4 फ्लावर आया था, तो मैंने गलती से क्या किया था कि इसमें मैंने ज़्यादा पानी दे दिया है था, जिसके कारण जो इसका फ्रूट है वो सब गिर गया। बाकी एक को छोड़कर बाकी जो फ्रूट था वो गिर गया। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब इसमें फ्लावरिंग आप स्टार्ट हो रहा हो तो आप इसका जो इसमें वाटरिंग बहुत कम कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हैप्पी गार्डनिंग।